उसमें है 31 रेसिपीज, 30 रेसिपीज इन जनरल, एक जो है धनिया पत्ता की चटनी रेसिपी है. नाउ मोस्टली दिस बुक एंड जब मैं लोगों से बात करता था कि ये किताब किस बारे में है, अगर आप हिस्ट्री के एंथुसियास्ट हो, फूड को जानना चाहते हो, कहानी सुनना चाहते हो, रेसिपीज में इंटरेस्टेड हो, देन दिस बुक इज फॉर यू. वाओ, क्योंकि इसमें सब कुछ मैंने पैक कर दिया है. ओके, एज अ एक वर्ड है सूत्रधार, सो आई लाइक टू बी द सूत्रधार और द स्टोरी टेलर एज वी डिस्कस्ड. तो ये सारी की सारी 30 चैप्टर जो मेरे आसपास ही घूम रही है, किस तरीके से मैं हर एक डिश को खाते जा रहा हूँ, डिस्कवर कर रहा हूँ. वाओ, जो एक रीजन था इस बुक, इस पर्टिकुलर कंसेप्ट के पीछे बुक के, कि मुस्लिम फूड जब हम बात करते हैं तो हम बात करते हैं बिरयानी और कबाब की. करेक्ट, उसके आगे हम बढ़ते ही नहीं है. एंड दैट्स व्हाट आई वांटेड टू ब्रेक, एंड आई सेड यू नो व्हाट, लेट्स मूव बियॉन्ड बिरयानी एंड कबाब. क्योंकि हम भिंडी भी उतनी मजे से खाते हैं, हम दाल भी वैसे ही खाते हैं. वैसे मुस्लिम से ऐसे थोड़ी ना कि मतलब हवा में आ जाए कि अब उनका ये खाना है. तो मेरी किताब में आपको बिरयानी का जिक्र कहीं नहीं मिलेगा. बिरयानी की रेसिपीज ही नहीं है, बिरयानी के बारे में बात ही नहीं हो रही है. बिकॉज आई थॉट ओवर एंड डन, काफ़ी लोगों को पता है. लेट्स टॉक अबाउट डिशेज जो लोगों को कम पता है, उनकी हिस्ट्री क्या है, उनका बैकग्राउंड स्टोरीज क्या है. तो ये आइडिया लेके मैंने 30 चैप्टर जो है लिख लिए. This book. What? Why don't you tell me something interesting about why you picked up a particular recipe or a dish? So मैंने बिल्कुल travel India travel कराया इसे. एक tour book है ये. Wow. Guide book. कश्मीर से start होता है, केरला तक खत्म होता है और left right भी है हमारे पास, ठीक है. Again idea ये था कि Muslims जो हैं वो in general क्या क्या खाते हैं, किस किस तरह का खाना खाते हैं. Okay. कुछ कुछ चीजें थी जो obvious होंगी कि अगर हमसे कश्मीर की बात करें तो कश्मीर की एक डिश है जिसका नाम है रवांगन सावन. रवांगन सावन इज पनीर इन टमेटो ग्रेवी, विच इज इंटरेस्टिंग बिकॉज देन यू वुड से कि मतलब एज आई मेंशन्ड कि अगर मुस्लिम्स हैं तो आप तो कबाब खा रहे होंगे ना. करेक्ट, आप तो नॉनवेज मतलब हर दिन धड़ाधड़ नॉनवेज की डिशेज बिछ रही होंगी आपके पास. राइट, तो फिर अगर नॉनवेज की डिशेज हैं आपके पास तो पनीर कहाँ से आया. रवांगन सावन इज वन ऑफ द 36 डिशेज ऑन वाजवान, जिसको बोलते हैं जो वाजवान कश्मीर में जो दावत जिसको बोल सकते हैं, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरियाज है वाजवान के. और रवांगन सामन एक मुस्लिम कश्मीरी डिश है, नॉट अ हिंदू कश्मीरी डिश. तो इस तरीके से कि जिसकी जिसकी इन्वेंशन या क्रिएशन मुस्लिम किचन में हुई है उसको लेके मैं इस किताब में लिखा है. तो ऐसे रवांगन सामन कश्मीरी है, पनीर की डिश होती है और वाजवान स्पेशली एक है. वाजवान की जो कहानी ये है कि आपको वाजाज होते हैं जो उसकी उसको बोलते हैं कि जो खाना बनाते हैं कश्मीर में, राइट. इट्स अ वेरी ओल्ड ट्रेडिशन ऑफ कश्मीर फूड. एक होती है बड़ी सी ट्रे जिसको बोलते हैं तरामी. तरामी में छत की वाजा कब फिर पहले वो देखो. अच्छा हाँ ठीक है, फलाना फलाना देखो, ठीक है एक काम करो शादी उसी के आसपास हो जाएगी. दैट्स हाउ, दैट्स द वैल्यू ऑफ वाजवान फूड. सो बड़ी तरामी आती है, उसमें सारे डिशेज लगे होते हैं, डिशेज लाइक तबक माज, रिश्ता, गुश्ताबा, काफ़ी अलग अलग किस्म के उसमें जाते हैं खाना. एंड ऐसे रवांगन सामन इज वन ऑफ दोज डिशेज. मेरे वाले में मैंने ज़ाफ़रान का इस्तेमाल किया है और कश्मीर में ज़ाफ़रान का इस्तेमाल काफ़ी होता है. लाल कलर जो कश्मीरी खाना आता है उसके लिए ज़ाफ़रान का. एक और फूड होता है मबल बोलते हैं उसको, उस इन दो चीज़ों का इस्तेमाल करके खाना को लाल कलर दिया जाता है. So now let's move towards the other things. So from Kashmir, now where are we going? We go to Punjab, Baju Meja. Punjab. Punjab, हम चलते हैं पंजाब में अमृतसर में. And when I'm saying Punjab, थोड़ा सा हम United Punjab की बात करेंगे. Pre-partition Punjab. अब ये जो dish है ये बड़ी funny dish है किताब में. इसका नाम है कटाकट. डिश इसलिए मेरे फेवरेट है और एक्चुअली बहुत दिल के करीब है क्योंकि गुलजार साहब केम फ्रॉम पार्टीशन, लाइक ही वाज एक्चुअली केम फ्रॉम अदर, ही स्टेड हियर राइट. पार्टीशन के टाइम पे वो गए नहीं, तो ही वाज एन इंडियन पार्ट, इंडियन में इंडियन मुस्लिम थे, लेकिन वो गए नहीं कि हम जिंदा यहाँ हुए मरेंगे नहीं. तो वो रहते थे पुतली घर. पुतली घर बॉर्डर के पास में, विच वॉज ऑल्सो हब कि जब लोग यहाँ से वहाँ आना जाना हुआ लोगों का, तो पुतली घर बिकॉज बॉर्डर के पास में था तो काफ़ी लोगों ने यहाँ सेटल किया खुद को. एंड दैट्स वाइट पॉपुलर. उनकी एक डिश है
एक्चुअली उनकी एक डिश क्या ये पाकिस्तान में ज़्यादा पॉपुलर है, इसको बोलते हैं कटाकट। कटाकट में इस्तेमाल होता है इनर्ड्स का, तिल गुर्दा कलेजी वगैरह का इस्तेमाल होता है, और इसको एक फ्लैट तवे बनाते हैं। तो आपकी नॉर्मल टमेटो वाली ग्रेवी, उसके ऊपर जब आप ये सब इनर्ड्स डालते हैं उनको कुकिंग दैट, तो एक फ्लैट बड़ा सा चाकू आता है, उसको इस्तेमाल करके पकाते हैं और महीन काटते हैं, मिंस करते हैं उसको। जो आवाज आती है वो कटाकट है, ठीक है। तो व्हेन यू मेक इट कटाकट 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 कटाकट, सो दैट्स हाउ इट्स कॉल्ड कटाकट इन पाकिस्तान। अच्छा, इसको टकाटक भी बोलते हैं, डिपेंडिंग कि आपको आवाज कैसी है, टकाटक कटाकट जो भी है। तो इन्होंने इतने प्यार से बनाया था, गुलजार साहब उस टाइम पर भी काफी बोल्ड थे, एंड ही सेड कि कुछ कुछ डिशेज हैं जो मुझे पसंद है और हफ्ते में एटलीस्ट एक से दो बार ही मैं खाना बनाता हूँ अपनी टीम के लिए। वो गुलजार ज़ैदी एज अ कैरेक्टर मुझे काफ़ी अच्छे लगे थे, और उनकी डिश तो जब मैंने वहाँ खाई थी, आई थिंक आई केम होम एंड आई मेड इट अगेन, नो वे क्लोज टू व्हाट ही डिड, नो वे क्लोज, बिकॉज आई थिंक शिद्दत है, वो प्यार है, वो जो बोलते हैं असलपन है उनके खाने में, वो आई थिंक काफ़ी लोगों में नहीं होती, और मैं तो रेप्लिकेट ही कर रहा हूँ, करेक्ट। तो रेप्लिकेशन में उतना फ्लेवर नहीं आ पाता है, और मैंने नया नया बनाया था, so I loved him, basically. I still miss him. कभी मौका मिलेगा तो of course पंजाब जाएंगे, पुतलीगढ़ जाएंगे। So whether it is katakat or takatak, you know the story behind it. Now we are moving to another zone. Let's see what is that. Okay, so katakat करते हुए, takatak करते हुए, I was going through this book, and you know what? मुझे भोपाल एक interesting segment लग रहा है. So How about Bhopal? Why Bhopal cuisine and dishes? कुछ तो बताओ। हाँ, अगर आप जा ही रहे हैं थोड़ा खाना पीना तो हो जाए, कितनी बातें करेंगे, भोपाली बन कबाब खाएंगे। अरे वाह, ऑसम। ये लीजिए सर, आपकी खिदमत में पेश करता हूँ मैं बन कबाब। आप लोग देखो सो ये बन कबाब बेसिकली आई कैन ईट राइट? यस ऑफ कोर्स। ये खास बात जो इस बन कबाब की है, इट्स अ देसी बर्गर यू कैन से, लाइक हाउ यू हैव वड़ा पाव। अमेजिंग, गुड जॉब, पास हो गया, पास हो गया। प्लीज कैरी ऑन, टॉक टॉक टॉक। सो ये जो है, जैसे बॉम्बे में आपका वड़ा पाव है, विच इज अ देसी वेज बर्गर, ये है भोपाली बर्गर, ओके। और ये पॉपुलर है पाकिस्तान पर, हिंदुस्तान से पाकिस्तान जा चुके हैं। एसेंशियली क्या है, इंडिया का जो भोपाल की बात करो, फिर पाकिस्तान तक आए, कि दो स्वीट बन लेते हैं इसमें, इसके बीच में जाता है शामी कबाब, विच इज अ वेरी पॉपुलर बन। नाउ इसका शामी कबाब थोड़ा स्पाइसी मैं रखता हूँ, इसलिए क्योंकि स्वीट बन है, तो हल्का सा मीठा बन ब्रेड का और शामी कबाब का तीखा बन, पेयर अप होता है धनिया चटनी से, थोड़ा प्याज। इसके अलावा ना इस बन कबाब में कुछ है ही नहीं, लाइक सिंपल सा है, बन एंड कबाब, वड़ा एंड पाव, ओके ठीक है, ये सिंपल थी कहानी सी। मैं बन कबाब और ये जो पाकिस्तान से बताया थे कराची में जो पॉपुलर है एंड स्ट्रीट फूड अगेन, वहाँ क्या करते हैं कि वहाँ इसके ऊपर अंडा डालते हैं ऑन डिमांड, इफ यू वांट विद एग तो दे विल डू हाफ फ्राइड एग या फुल फ्राइड एग इसके ऊपर, सेम थिंग आपको तो देखेंगे। दोनों जगहों पे इसको फ्लैट तवे बनाते हैं और एक लकड़ी का दबाने का आता है प्रेस करने के लिए, आप उसको बेसिकली प्रेस करते हैं ताकि दोनों ब्रेड प्रॉपरली स्टिक कर जाए, और उसी तरीके से मैंने भी किया, मेरे पास क्योंकि लकड़ी का नहीं था तो मैंने टोस्टर में डाल दिया तो मैंने उसको एसेंशियली वी आर डूइंग द सेम थिंग, टोस्ट ही कर रहे हैं ताकि वो बिल्कुल फ्लैट हो जाए, और दैट्स द ब्यूटी ऑफ बन कबाब। एज़ इट सिंपल खाना है, आप भोपाल जाएं, भोपाल में स्पेसिफिकली इब्राहिमपुरा, जो भोपाल में रहते हैं उनको पता है इब्राहिमपुरा क्या है, और जो भोपाल जाते हैं उनको पता है, इट्स लाइक पुरानी दिल्ली काइंड ऑफ सिचुएशन हैपनिंग इन भोपाल, इब्राहिमपुरा में। All my friends who are from Bhopal, I'm gonna try this when I come there. Yeah. I'm sorry, मैं साथ साथ खा रहा हूँ क्योंकि मुझसे रुका नहीं जा रहा। आप लोग जलते रहो, मैं खाता रहूँगा, but मैं कहानी सुनाता रहूँ। Carry on. तो ये मैं जब किताब लिखने के टाइम पे मैं भोपाल गया था, क्योंकि अगर आप खाने का जिक्र करें और आप दिल्ली, लखनऊ, भोपाल, पंजाब ऑफकोर्स इन जगहों की बात ना करें, तो लगता है अधूरापन है कुछ जिंदगी में। Okay. भोपाल का खाना वैसे थोड़ा अंडर रेटेड लगता है मुझे, भोपाल का खाना ज्यादा लोग जिक्र नहीं करते इस बात का। तो भोपाल के खाने की बात ही अलग है। एक फॉर एग्जांपल भोपाल का बड़ा यूनिक सा खाना है, जिसको बोलते हैं मटन रिजाला। नाउ भोपाली मटन रिजाला
इज वेरी डिफरेंट और इसको बोलते मुख्तलिफ है लखनऊ से या दिल्ली से, क्योंकि वहाँ का हरा कलर जो होता है ग्रीन कलर. वाई? बिकॉज उसमें जाता है धनिया. धनिया का इस्तेमाल करते हैं ताकि, क्योंकि जैसे हमने दिल्ली की कहानी सुनी ना कि दिल्ली में चाट और तेज खाना इसलिए आया क्योंकि पानी नहीं सही था. ठीक है, जब दिल्ली सल्तनत यहाँ बना दी गई थी आगरा से तो पानी सही नहीं था, तो तेज मिर्ची वाला खाना और थोड़े फैट खाना. भोपाल का पानी भी उतना सही नहीं था तो उसको काटने के लिए धनिया का यूज करते थे. तो काफी सारे खानों में धनिया का इस्तेमाल हुआ और मटन रसाला जो है उसके अंदर तो स्पेशली वो ग्रीन कलर होता है, उसमें धनिया का पेस्ट आता है पकने टाइम. यानी टेस्ट इमेजिन लाइक अ वेरी रिफ्रेशिंग फ्लेवर. तो ऐसे ही फ्लेवर तो धनिया का फ्लेवर ऐसे ही अच्छा आता है, ऐसा वेरी रिफ्रेशिंग. वो एक कोरमा का फ्लेवर है बट लाइक एड ऑन. तो ये दो आई थिंक अगर आप जाओ भोपाल में तो ये दोनों खाना है. तो अगर भोपाल में है बन कबाब तो अफकोर्स खाना है, आप भी खाइए, वहाँ तो खाना ही है. ये रही भोपाल की कहानी. भोपाल से आप कहाँ जाएंगे सर, मतलब गाड़ी कहाँ चलेगी एक बार जब खाना हो जाए तो? सर मेरे को एक खाने दो, हम थोड़ी देर बाद आते हैं क्योंकि ये मुझसे रुका नहीं जाएगा और मैं बहुत कंट्रोल कर रहा हूँ उसको रोकने के लिए. तो मैं कैमरामैन को भी बोलता हूँ होल्ड करो, आप भी रेस्ट करो, ये खाने के बाद हम जाते हैं अगले स्टेट में विच विल बी बिहार. ओके, बन कबाब का फ्लेवर टेस्ट मेरे मुंह से नहीं जा रहा. जितने लोग भोपाल में रहते हैं प्लीज़ बता दो कहाँ कहाँ खा सकते हैं. वैसे तो उन्होंने मुझसे बोला कि कहीं भी खा लो, बात एक ही है, बट ऑल यू पीपल एंड माई फ्रेंड्स इन भोपाल डू कमेंट वेयर कैन आई ट्राई बन कबाब. जैसे मैंने पिछले सेगमेंट में कहा था कि भोपाल से होते हुए अब हम जाएंगे बिहार, तो वॉट इज योर इनपुट फ्रॉम बिहार? बिहार, आई ग्रू अप इन बिहार. एक्चुअली बिहार पार्टीशन से पहले, पार्टीशन क्या उसका डिवीजन से पहले तो मैं बिहार का था, देन झारखंड हो गया. बिहार से काफ़ी लगाव इसलिए है क्योंकि ऐसे बड़ा हुआ. एक जगह है वहाँ पर सासाराम बोलते हैं. इन वे अगर देखा जाए तो मेरी जिंदगी दो रामों के बीच में गुजरी है, रामगढ़ और सासाराम, दो दो राम है मेरे पास. तो खैर सासाराम में इज पॉपुलर फॉर शेरशाह सूरी. शेरशाह सूरी वहाँ पैदा हुए थे और वहीं उनको जंग में मारा दिया, मतलब शहीद भी वहीं पर, उनकी वहाँ पर सिर्फ एक उंगली उड़ा दिया गया था उनको जंग में. खैर अब बिहार की बात करें तो ऑब्वियस सी बात है जो भी सुन रहे देख रहे हैं लिट्टी चोखा. बट अगेन ये बुक तो मिथ बस्टर है ना, जैसे कबाब बिरयानी के अलावा क्या करते हैं, तो बियॉन्ड लिट्टी चोखा क्या है बिहार में एक, और ये कबाब मेरा फेवरेट कबाब है. विच आई कीप इट हियर, अगर कबाबों की लिस्ट एक फहरिस्त तैयार की जाए तो उसमें कबाब बिहारी कबाब नंबर वन मेरे. क्यों? क्योंकि एक तो बोटी कबाब है वो, अनलाइक दिल्ली का मिन्स कबाब जो सीख कबाब को बोलते हैं, तो एक बोटी, दूसरा दो तीन चीज जाती होता है ऐसा. पहला, इस बोटी को चंक नहीं है, पतला पतला काटते हैं और स्क्यूअर में डालते हैं. इसमें पोस्तो दाना का इस्तेमाल होता है, इसमें सस्तू का इस्तेमाल होता है, बेसन का इस्तेमाल करते हैं लोग ताकि मसाला आपस में लिपट जाए, लेकिन इसमें सत्तू का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि बिहार में सत्तू पॉपुलर है. तो बड़े ही मज़े आते हैं कबाब को बनाने में और खाने में. आप इसको मैरिनेट करो, मतलब अलग अलग मसाले भी हैं कबाब मसाले, पपीते के साथ में करीब आधा घंटा. जब आप सेकने बैठोगे, इट लिटरली एंड आई एम टॉकिंग अबाउट माई चाइल्डहुड, जब हम सेकते थे या तो जो गोएठा बोलते हैं गोबर के उपले या फिर कोयले पे जब हम इसको पकाते हैं, लकड़ी का कोयला, वो कोयले का मत पत्थर कोयला नहीं, लकड़ी कोयला या फिर गोबर के उपले पे जब ये बनता था वो ड्रिप करता था उसके नीचे. इमेजिन कितना मेल्ट इन योर माउथ हो जाता है वो. एंड दैट्स व्हाई आई कीप इट हियर. इनफैक्ट यू वुड नॉट बिलीव एंड यू माइट लाफ कि जब मैं दिल्ली आया मेरे लिए कबाब मतलब बोटी कबाब था. ओके, क्योंकि झारखंड बिहार में हमने बोटी कबाब ही खाई. जब दिल्ली आया तो दिखा कि अरे सीख कबाब भी कुछ होता है, विच इज अ मिन्स कबाब. एंड आई सेड अगर मिन्स कर दिया तो वो तो टिक्की हो गई ना. करेक्ट, ये लेकिन यहाँ तो अलग था. एंड इसीलिए आज भी दिल्ली में कम मिलता है. आई रिमेम्बर मोस्ट रिसेंटली आई वेंट टू बॉम्बे और बॉम्बे में बोटी कबाब मिली थी हाजी अली रोड पे. एंड आई वाज लाइक यार इसको कितना मिस करता हूँ मैं, क्योंकि काफ़ी तो बिहार कबाब को आई कीप इट हियर. बिहार कबाब का जिक्र जो है शेरशाह सूरी के आसपास ही आया है. उन्होंने ही शायद इसका ईजाद तो नहीं बोलेंगे लेकिन उनके आसपास ही आया है, उनके आसपास में किताबों पे जिक्र जो हुआ है उस उनके टाइम हुआ है, उससे पहले नहीं हुआ. उससे पहले मतलब बाबर के टाइम पर, हमारे टाइम पर इसका जिक्र नहीं है. तो इसका मतलब ये है,
तो अगर किसी को बनाना है तो ऑफकोर्स बनाइए, रेसिपी इसमें बनाइए। और अगर क्योंकि दिल्ली में कहीं मिलता नहीं, दैट्स अ प्रॉब्लम, दिल्ली में कहीं नहीं मिलता है। बिहार में भी एक इलाका है, नाम भूल गया, अभी मैं पिछली बार पटना गया था नवंबर में, लास्ट नवंबर, तो उस इलाके को मैं गया था, वहाँ मैं बिहारी कबाब 2-3 प्लेट लेकर आया। सो आई लव इट दैट मच। घर पे यूजुअली हमारे घर पे ना बकरीद के आसपास ये बनता ही बनता है। ओके, आई नो नेक्स्ट व्हेन आई नीड। सो गाइस, लिट्टी चोखा इज अ सिनोनिम ऑफ बिहार। बिहारी कबाब मुझे पहली बार पता चला है इज वन ऑफ द बेस्ट कबाब, एंड इनके तो लिस्ट में ऑब्वियसली टॉप पर है। सो आई एम गोना ट्राई दिस फॉर श्योर। एंड इंटरनल न्यूज ये है कि नेक्स्ट टाइम इनकी बकरीद पे आई हैव टू गो एंड ट्राई दिस, क्योंकि दिल्ली में ये कहीं नहीं मिलता। कहीं नहीं मिलता, लिटरली कहीं नहीं मिलता, अनलेस यू गो टू बिहारी फाइव फैमिली, जो कि यू नो व्हाट आई मीन। ऑलराइट, सो नाउ द फिफ्थ एंड द फाइनल डेस्टिनेशन, हम कहाँ जा रहे हैं? हम अब कश्मीर से स्टार्ट किया था, नीचे चलते केरला। चलो केरला में, केरला में काफी, एंड आई एम पर्सनली सम लाइक वन नॉर्थ इंडियन जिसको कि साउथ खाना खाते हैं। और साउथ का खाना मुझको इसलिए पसंद है क्योंकि आई थिंक साउथ के खाने में ना मसालों का इस्तेमाल उतना ही है जितना रिक्वायर्ड है, ओवर पावरिंग नहीं है कि अच्छा ये काम करते हैं भर देते हैं इसके अंदर सारा मसाला क्रीम, क्योंकि नॉर्थ में काफ़ी इसका इस्तेमाल है। एंड आई एम नॉट सेइंग कि नॉर्थ का खाना में मसाले और क्रीम का मतलब कि वो अच्छा नहीं है, वो काफ़ी लजीज होता है, काफ़ी मज़े आते हैं, लेकिन साउथ इज माई फेवरेट। साउथ में केरला की बात करें तो केरला में एक कम्युनिटी है जिनको बोलते हैं मोबला। तो मोबलाज वर द फर्स्ट मुस्लिम जो इंडिया आए थे ट्रेड रूट पे, और आके यहाँ सेटल होना स्टार्ट किया उन लोगों ने काफ़ी सदियों पहले, मतलब लिटरली बहुत सारे। तो मोबला में मोबला मुस्लिम है, मोबला क्रिश्चियंस हैं, मोबला जूज हैं, इनका खाना। और जब मुस्लिम जब एज अ ट्रेडर जब इंडिया आए तो लोकल खाना भी तो खाना, मतलब अपना खाना थोड़ी लेके आए कि यार चलो देखो चलो आपको दे है। Like if you go from Delhi to somewhere else, you know what you were eating in Delhi. Correct. But then you will adapt based on us particular country or state. ठीक है कि अच्छा ये ऐसे कर लेते हैं, तो वैसे ही स्टार्ट हुआ। एंड दैट्स व्हाट जो इनिशियल बोला था कि हिंदुस्तानी खाना जिसको हम आज जानते हैं वो वही है। वहाँ पे भिंडी की सब्जी बनती है, उसको वेंडिकई, भिंडी को वेंडिकई बोलते हैं। Okay. उसकी सब्जी, और ये काफ़ी अलग है। एक उमी अब्दुल्ला बोल के ऑथर है, मेरी फेवरेट ऑथर है, एक्चुअली वन ऑफ माई फेवरेट ऑथर है। उनकी रेसिपी थी उनकी बुक की, जब मैंने और मैं एक्चुअली पढ़ रहा था कि एज आई मेंशन कि मुस्लिम जमीन से फाड़ करने के लिए कहीं से आएंगे, धीरे धीरे स्टार्ट हुआ। देन आई लर्न अबाउट मोपलास एंड देन स्टार्टेड रिसर्चिंग अबाउट मोपलास, मीटिंग मोपला। अब ये पर्टिकुलर डिश जो है इनकी बुक से निकली, एंड आई वाज लाइक ये ना इंटरेस्टिंग, बहुत अलग लेवल पे है। एक लेवल पे होगा कि जो लोग समझते हैं कि मुस्लिम्स मतलब नॉन वेजिटर, भिंडी तो मतलब भिंडी खाते हैं या लेडीज फिंगर या फिर ओक्वा, जो भी बोलना है आपको। तो अब भिंडी मेरी फेवरेट है भाई, आई लव भिंडी, एंड आई विल टेल यू अ वेरी फनी स्टोरी अबाउट भिंडी। तो खैर, तो इस तरीके से मेरी मोपला किसी से मुलाकात हुई, उमी अब्दुल्ला से मुलाकात हुई उनकी किताब के जरिए, और इस पर्टिकुलर डिश को मैंने खाया था, रेप्लीकेट किया था बैंगलोर में। बैंगलोर में एक फ्रेंड मिला, उसका रेस्टोरेंट चला था वहाँ पे। उस रेस्टोरेंट में एक भाई साहब थे, मतलब शेफ थे, शेफ वाज अ समबडी फ्रॉम मोपला किचन इन केरला। ओके, सो आई वाज जस्ट टॉकिंग एंड ही सेड, द शेफ सेड, क्या थे मैं तो उसी कम्युनिटी का, क्या बात कर रहे यार। तो देन आई टॉक अबाउट यार ये पर्टिकुलर सब्जी है जो मुझे खानी है, तो या तो मैं केरला जा सकता हूँ, कि बिल्कुल जाइए क्योंकि अच्छी जगह है, बट आई कैन ऑल्सो मेक यू। ओके, तो मैं उसके साथ में खड़े होकर सीखा कि किस तरीके से वो क्या क्या डाल रहा है सामान में, और सब्जी जब बन के एंड में आई हल्की लटपट होती है, बट तो अलग फ्लेवर होता है उसका, उस मैंने कहीं का। तो यस, सो आई थिंक इफ यू आर भिंडी लवर, दिस इज ब्यूटीफुल रेसिपी। अपार्ट फ्रॉम ऑफकोर्स आई एम श्योर आपने भी वो खाई होगी ना, वो कुरकुरी भिंडी। तो कुरकुरी भिंडी अलग अलग तरीके की बनती है, एक तो नॉर्मल नमक डाल दिया, दूसरा में हल्का सा आमचूर डाल दिया ताकि हल्का सा खटास आए, तो वो भी अच्छा है। और ये तो मतलब अलग लेवल पे है, मैं कोकोनट मिल्क वगैरह इस्तेमाल करते हैं। एंड नाउ इस बुक के बारे में बात करते हुए मुझे कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें पता चली। पहला कि मुस्लिम किचन्स में सिर्फ कबाब और बिरयानी नहीं बनते, पनीर भी बनता है, भिंडी भी बनती है, और बहुत कुछ बनता है, दैट्स वन। दूसरी चीज़, चाहे आप देश के किसी भी कोने में क्यों ना हो, इंटरेस्टिंग फूड रेसिपीज जगह जगह हमें मिलती हैं,
बस उनको ट्राई करने की दे रही है. तीसरा, दिस बुक किल्स अ लॉट ऑफ मिथ्स दैट यू गाइस हैव. सो आई थिंक ये बुक उन सभी लोगों के लिए रिकमेंडेड है. पहला, जो खाने में इंटरेस्टेड है. सेकंड, जो हिस्ट्री में इंटरेस्टेड है. तीसरे, जो हिस्ट्री और खाने को जोड़ के उसका मजा लेने में इंटरेस्टेड है. और चौथा, जो मुझ में इंटरेस्टेड है. सो इसे कहते हैं खुद की पब्लिसिटी. ओके, लाइक आई सेड, किताब की बात हो गई, किताब के अंदर के मसालों की बात हो गई, रेसिपीज की बात हो गई, हिस्ट्री की बात हो गई. नाउ फॉर पीपल हु डोंट नो हाउ टू एक्सेस ऑल ऑफ दिस, देयर इज वन मोर प्लेस वेयर यू कैन हियर हिम. बात करने में ये बहुत इंटरेस्टिंग है. स्टोरी टेलिंग इनका पेशा है. पेशा भी नहीं कह सकता मैं, कह सकता हूँ इनबॉर्न टैलेंट ही है. सो व्हाट इज योर अनदर प्लेटफॉर्म दैट वी कैन गेट होल्ड ऑफ? ऑडियो. देयर यू गो. वीडियो भी है, हमें देख सकते हैं, हमारी किताब पढ़ सकते हैं, हमें सुन सकते हैं. ये कहीं नहीं छोड़ेंगे, कहीं नहीं छोड़ेंगे, सब जगह पकाएंगे. सो दिस इज अ न्यू पॉडकास्ट आई स्टार्टेड विद IVM नेटवर्क, IVM पॉडकास्ट नेटवर्क, विद अ फ्रेंड ऑफ माइन अर्चित. तो अर्चित और मैं इस पॉडकास्ट के जरिए खाने को जिसको बोलते हैं गीक आउट, खाने की बातें हम गीक लेवल पे करेंगे. विच इज ऑफकोर्स, तो हम दोनों अलग अलग चीजें देख रहे हैं, लेकिन हम दोनों का इंटरेस्ट इसके अंदर विच इज फूड एंड इकोनॉमिक्स. तो खाने के बारे में मैं बात करता हूँ, खाने की हिस्ट्री, खाने का कल्चर क्या है, कहाँ से आया, कहाँ जा रहा है. इकोनॉमिक्स की बातें करते हैं अर्चित. अगर इसका मास प्रोडक्शन हो रहा है, क्यों हो रहा है, ये पर्टिकुलर डिश इतनी पॉपुलर क्यों है इकोनॉमिक साइड में, इसका पब्लिक पॉलिसी पे कैसे असर पड़ता है वगैरह वगैरह, इसके बारे में वो बात करें. ऑफ कोर्स एज आई सेड IVM के ऊपर है, लेकिन किसी भी पॉडकास्ट नेटवर्क पे आप इसको सुन सकते हैं. सो एक्चुअली नॉट पॉडकास्ट, किसी भी ऑडियो स्ट्रीमिंग एप्लीकेशन पे आप इसको सुन सकते हैं. ओके, सो आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम Spotify टू Apple Pod बोलते हैं आजकल ना, Apple Podcast. iTunes का नाम चेंज हो गया, मुझे अभी मालूम चला है. तो ऐसे Spotify से लेके Apple Podcast तक आप इसको सुन सकते हैं. हर वेंसडे आता है. पिछले हफ्ते ही स्टार्ट हुआ है. जाइए वहाँ सुनिए, और हमारी काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन तो हैं ही, काफ़ी सारे फन जोक्स भी हैं इसके अंदर हमारे. ऑलराइट, सो अगर आप जानना चाहते हो कि कोई डिश फेमस क्यों है, उसके पीछे का राज क्या है, वो क्यों बन रही है, वो किस लिए फेमस हो रही है, प्लस उसे खाने का बैकग्राउंड, खाने का मेकिंग एंड इनकी बातें, इनका मसालेदार टच, प्लीज़ ट्यून इन टू Spotify और Apple Podcast every Wednesday and your thing is called exactly, naam to bataya nahi. The name is called Naan Curry Podcast. Naan Curry kyun? Kyunki Indian khana curry ki aage bhi hai. Oh, and that's why it is called Naan Curry, lekin with an accent, and hence Naan, which is bread, and curry is curry. So Naan Curry Podcast, like I said, this guy is perfect in storytelling. नाम में एक स्टोरी है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है इनके खाने में. करेक्ट. अब पान के खाने रहे हैं वो मुझे नहीं पता क्यों, क्योंकि वाइट शर्ट पहन कर आए हैं. मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं पान खाने वाला हूँ. इसी के साथ मैं आपको ये फिर से याद दिला दूँ, बुक लेना मत भूलना. बुक के अंदर हिस्ट्री भी है, रेसिपी भी है, कुछ इंटरेस्टिंग पिक्चर्स भी हैं इनके बारे में. बुक पढ़ने का शौक नहीं है तो पॉडकास्ट पे पहुंच जाओ, वहां पे भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन है. और अगर इसका भी शौक नहीं है तो उनसे मिलने आ जाओ. ट्रस्ट मी, खाने का भी शौक होगा, पकाने का भी शौक हो जाएगा, स्टोरी टेलिंग करनी भी आ जाएगी, और फिर पान भी मिल जाएगा. विद दिस आई एम साइनिंग ऑफ विद शेफ सदव. थैंक यू फॉर बीइंग ऑन माय शो. एंड फॉर यू गाइस, गो प्लीज बाय दिस बुक, ऑल्सो हियर हिम आउट एवरी वेडनेसडे ऑन योर फेवरेट whatever platform you want, whether it's Spotify or it's Apple Pods.